हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। माय नेम इज गगन एंड योर इंस्ट्रक्टर फॉर दिस होल कोर्स। तो आज के हम इस वीडियो में देखने वाले हैं किस तरीके से हम जावास्क्रिप्ट की हेल्प से एक स्टॉपवॉच बना सकते हैं। ओके, तो बिना देर किए करते हैं आज के वीडियो को स्टार्ट। लेकिन हाँ, उससे पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि न्यूटन स्कूल ने अभी एक नया प्रोग्राम लॉन्च किया है। ठीक है, ये प्रोग्राम है ऑनलाइन एमएस डिग्री के लिए। ठीक है, इसमें क्या होगा कि जो स्पेन की यूनिवर्सिटी है एमआईए यूनिवर्सिटी, इसके साथ न्यूटन स्कूल ने एसोसिएट किया है ऑनलाइन एक साल का एमएस डिग्री प्रोग्राम के लिए। ठीक है, तो अगर आप एक प्रोस्पेक्टिव स्टूडेंट हैं या वर्किंग प्रोफेशनल हैं तो आप इसको चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, आपको लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी और डिटेल में जानने के लिए। ठीक है, और इस कोर्स को अगर आप मेरे कूपन कोड से परचेज करते हो गगन 15 तो आपको 15,000 रुपये का इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा। ओके, तो बस गाइस यही था इसके बारे में। ठीक है, अब चलते हैं हमारे आज के टॉपिक जिसमें हम देखने वाले हैं किस तरीके से हम जावास्क्रिप्ट की हेल्प से एक स्टॉपवॉच बना सकते हैं। ओके, तो अब बिना देर के करते हैं स्टार्ट। ओके, तो सबसे पहले मैं क्या एक चीज़ बताना चाहूँगा कि जो भी हम अपना जावास्क्रिप्ट कोड को एग्जीक्यूट करेंगे ना, मतलब हम जो भी प्रोजेक्ट बनाएंगे वो न्यूटन स्कूल की ऑनलाइन आईडी पर बनाने वाले हैं। ठीक है, तो लास्ट वीडियो में मैं वही ऑनलाइन आईडी यूज़ कर रहा था। आप ओनली यही वीडियो देखे हो, पहले वाले वीडियो नहीं देखे हो, तो आपको मैं बता देता हूँ कैसे न्यूटन स्कूल की ऑनलाइन आईडी को एक्सेस करना है। तो सबसे पहले आपको आना है न्यूटन स्कूल पर। ठीक है, तो न्यूटन स्कूल पर आने के बाद आपको सिंपल लॉन्च पैड पर क्लिक करना है। ठीक है, और अब जैसे ही लॉन्च पैड पर क्लिक करेंगे तो आपको फिर स्टार्ट नाउ फॉर फ्री पे, ओके, फिर आपको ये वाला डैशबोर्ड शो करेगा। तो मैंने पहले से यहाँ पे अकाउंट बना रखा है इसलिए मेरे को ये डैशबोर्ड शो कर रहा है। ठीक है, अगर आपने अकाउंट नहीं क्रिएट किया है यहाँ पे तो आप पहले अकाउंट क्रिएट कीजिए। तो यहाँ पे 3-4 सेक्शन बने हुए हैं। फर्स्ट सेक्शन हमारा ट्रैक के लिए, ओके, सेकंड प्लेग्राउंड एंड ये कॉन्टेस्ट। तो कॉन्टेस्ट में जो भी न्यूटन स्कूल ऑनलाइन कोडिंग कॉन्टेस्ट ऑर्गेनाइज करवाते हैं वो कॉन्टेस्ट होंगे। ठीक है, और ट्रैक में यहाँ पे कोर्सेज होंगे। ठीक है, यहाँ पे लॉन्च पैड के कोर्स, यहाँ पे बहुत सारे कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट है जिनको आप चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, लेकिन अब हम चलते हैं हमारे आज के टॉपिक पे जिसमें हम देखेंगे किस तरीके से हम जावास्क्रिप्ट की हेल्प से एक स्टॉपवॉच बना सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले मैं आऊँगा प्लेग्राउंड पे। ठीक है, तो प्लेग्राउंड में आने के बाद मैं मार्कअप वाला प्लेग्राउंड सेलेक्ट करना है। ठीक है, ओके, तो ये मैंने लास्ट वीडियो में कोड किया हुआ था, लास्ट वीडियो का प्रोजेक्ट है ये, हम इसको यहाँ से हटा देते हैं। ओके, और आज हम शुरू से इसमें कोड करने वाले हैं। ठीक है, तो मैंने बताया ना हम क्या देखने वाले हैं, एक स्टॉपवॉच बनाएंगे। ठीक है, ओके, तो सबसे पहले हम अपना HTML का पार्ट कवर करेंगे। वैसे मैं स्टाइलिंग पे ज़्यादा फोकस नहीं करूँगा, हम जावास्क्रिप्ट को ही देखने वाले हैं, लेकिन थोड़ा बहुत मैं आपको स्टाइलिंग के बारे में भी बता दूंगा। ठीक है, HTML CSS हम यहाँ पे यूज़ कर ही लेंगे। ठीक है ना, तो आपको सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या करूँगा, एक बॉडी क्रिएट करता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे इसको क्लोजिंग टैग के साथ, ओके, और अब मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, एक मैं डिव कंटेनर बनाऊंगा विद आईडी स्टॉपवॉच। ओके, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे डिव, ओके, और यहाँ पे क्लोजिंग टैग के साथ डिव, ओके, तो यहाँ पे मैं आईडी देने वाला हूँ। सबसे पहले आईडी क्या दूंगा इसको, मैं आईडी दूंगा स्टॉपवॉच। ठीक है, और इसके अंदर मैं टेक्स्ट क्या ऐड कर रहा हूँ, टेक्स्ट अभी मैं यहाँ पे 00 hour एंड 0 मिनट एंड 0 सेकेंड। ओके, तो अभी आप यहाँ पे देख सकते हो ये चीज़ें शो कर रहा है। ठीक है, ओके, और अब यहाँ पे मैं सेकंड चीज़ क्या करने वाला हूँ, एक मैं अनऑर्डर लिस्ट बनाने वाला हूँ। ठीक है, लिस्ट क्रिएट करने वाला हूँ यहाँ पे मैं, तो उसके लिए सिंपल UL, ओके, और यहाँ पे क्लोजिंग टैग के साथ, ओके, ठीक है, और इसके अंदर मैं क्या करूँगा, UL के अंदर मैं क्या करने वाला हूँ, एक आईडी, इसको आईडी देने वाला हूँ UL को। ओके, तो आईडी मैं इसको देने वाला बटन्स, ओके, क्योंकि हमारे यहाँ पे 3-4 बटन इसमें हम ऐड करने वाले हैं। ठीक है, और यहाँ पे मैं li, ठीक है, li, और इसको क्लोजिंग टैग के साथ, ओके, और इसके अंदर हम क्या करने वाले हैं, इसके अंदर हम बटन ऐड करने वाले हैं। ठीक है, इसके अंदर हम बटन टैग के साथ बटन ऐड करेंगे, ओके, और यहाँ पे बटन, सॉरी, क्लोजिंग टैग के साथ, ओके, और अब हम इस पे बटन के अंदर क्या ऐड करने वाले हैं, सिंपल यहाँ पर सबसे पहले लिखते हैं एक स्टॉप स्टार्ट से। ठीक है, स्टार्ट, ओके, और यहाँ पे हम एक ऑन क्लिक फंक्शन यहाँ पे ऐड करते हैं, ऑन क्लिक इवेंट का, ऑन क्लिक, ठीक है, ऑन क्लिक यहाँ पे हम के लिए क्या लिखेंगे, स्टार्ट टाइम, ओके, स्टार्ट टाइमर, सॉरी, ओके, तो जैसे यहाँ पे मैं क्लिक करूँ तो वो जो भी मेरे स्टॉप वॉच बनाऊंगा तो वहाँ पे क्लिक हो जाए, स्टार्ट हो जाए। ओके, तो इसी को मैं कर लेता हूँ कॉपी। ओके, तो हम क्या बनाएंगे, एक स्टार्ट का और एक स्टॉप एंड एक रीसेट के लिए। ठीक है, और यहाँ पे, ठीक है, स्टार्ट टाइम को तो हम यहाँ पे सेकंड में कर देंगे स्टॉप, ओके, और रीसेट टाइमर यहाँ पे लास्ट में हमारा क्या हो जाएगा, रीसेट टाइमर, ओके,
ये हो गया हमारा HTML का पार्ट। अब हम चलते हैं हमारे CSS वाले पार्ट को कवर करते हैं। ओके, इसको मैं थोड़ा सा ऑर्गेनाइज वे में कर देता हूँ। ओके, तो ये हो चुका है मेरा HTML का पार्ट। अब चलते हैं हमारे CSS वाले पार्ट पे। ठीक है, अब चलते हैं CSS वाले पार्ट पे। ठीक है, जो भी हमने यहाँ पे बटन क्रिएट किया इसको थोड़ा बहुत हम स्टाइल कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद हम चलेंगे हमारे JavaScript पार्ट पे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, जो भी ये हमारा बॉडी है इसका बैकग्राउंड हम चेंज कर देते हैं। ठीक है, तो उसके लिए सिंपल क्या करूँगा, मैं एक कलर ऐड कर लेता हूँ यहाँ पे 20 एंड 20। ओके, हाँ ठीक लग रहा है ना। अब ठीक लग रहा है। ठीक है, और कलर को हम क्या करेंगे, कलर को कर देते हैं वाइट। ओके ओके, यहाँ पे कलर वाइट हो चुका है। ठीक है, अब चलते हैं हम चलते हैं बटन को टारगेट करते हैं। ओके, बटन पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले विड्थ हम इसके सेट करने वाले हैं 100 पिक्सल। ओके ओके, और हम इसकी हाइट जो है, हाइट को हम सेट करते हैं 15 पिक्सल। ओके ओके, हाँ अब थोड़ा बहुत ठीक लग रहा है। ठीक है ना, अब हम क्या करने वाले हैं यहाँ पे, सबसे पहले हम यहाँ पे इसको बॉर्डर देते हैं। ठीक है, बॉर्डर क्या करेंगे, 2 पिक्सल सॉलिड वाइट करते हैं। 2 पिक्सल सॉलिड वाइट, सॉलिड वाइट। ठीक है, और हम इसको बॉर्डर रेडियस भी दे देंगे। ठीक है, बॉर्डर रेडियस में क्या करेंगे, बॉर्डर रेडियस इसको देते हैं 10 पिक्सल। ओके, अभी थोड़ा बहुत हमें ठीक लगने लगा है, अभी इतना भी अच्छा नहीं लगने लगा है, अभी इसको थोड़ा और स्टाइल करते हैं। ठीक है, और इसका बैकग्राउंड कलर करते हैं इसको वापस से वही 20 20। ओके, और इसका कलर भी हम क्या करते हैं, कलर वाइट करते हैं। ओके, अब थोड़ा बहुत हमें ठीक लगने लगा ये वाली चीज़ें। अब हम इसको क्या करेंगे, कर्सर को पॉइंटर करेंगे। ठीक है, जैसे ही मैं यहाँ पे कर्सर लेके जाऊँ, तब कर्सर को क्या करने वाले, पॉइंटर करने वाले। जैसे मैं यहाँ पे कर्सर लेके जाऊँ तो वो पॉइंटर हो जाए। ठीक है, तो कर्सर को करते हैं पॉइंटर। ओके, और हम इसके जो ये आउटलाइन आ रही है इसको नन कर देते हैं। ठीक है, ठीक है, तो ये हो चुका है मेरा बटन वाला पार्ट कंप्लीट। ठीक है, यहाँ पे मैंने बटन को स्टाइल कर दिया। ठीक है, हम नेक्स्ट हम देखने वाले हैं जो भी यहाँ पे मैंने स्टॉप वॉच बनाया ना, ये वाली चीज़ है, इसको थोड़ा बहुत हम स्टाइल कर लेते हैं। ठीक है, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, सबसे पहले तो उसके लिए मैं सबसे पहले अपने जो आईडी बनाई थी इसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं, स्टॉप वॉच। ठीक है, और यहाँ पे हम सबसे पहले मैं क्या करूँगा, जो भी इसका फॉन्ट साइज है ना वो थोड़ा सा इंक्रीज कर लेता हूँ, फॉन्ट साइज। ठीक है, फॉन्ट साइज हम इसका करते हैं 100 पिक्सल। ठीक है, जिससे थोड़ा बहुत अच्छा लिखने लगे। ओके, हाँ इतना ठीक है। ओके, और इसके बाद हम क्या करने वाले हैं, पोजिशन को करेंगे एब्सोल्यूट। ओके ओके, और टॉप से हम इसको 50, ये भी थोड़ा सा ग्लिच हो गया, कोई नहीं, हम इसको ठीक कर लेंगे 50। एंड लेफ्ट से हम इसको करते हैं 50%, टॉप से 45 एंड यहाँ से इसको 50। ओके, इसके बाद हम नेक्स्ट हम चीज़ क्या करेंगे यहाँ पे, इसका ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन ट्रांसलेट -50 to -50% एंड तो ये हो चुका मैंने मेरा यहाँ पे जो स्टेप वॉच था उसको स्टाइल कर लिया। ठीक है, अब नेक्स्ट चीज हम क्या करने वाले हैं, नेक्स्ट चीज जो यहाँ पे मेरी बटन यहाँ थे इनको थोड़ा और करना बाकी रह गया, तो बटन जो भी इसके अंदर LI है, ओके नहीं बटन को ही करते हैं, बटन अभी मेरा कंप्लीट नहीं हुआ ना, तो बटन्स जो भी यहाँ पे मैंने ID सेट की थी बटन्स उनको लेके। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसको ID को सेलेक्ट करता हूँ सबसे पहले, तो यहाँ पे उसके लिए बटन्स। ओके, और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, सबसे पहले इसका पोजिशन करता हूँ एब्सोल्यूट। ओके, हम इसको जो भी हमारे बटन है ना इसको इनके नीचे लेके आने वाले हैं। ठीक है, यहाँ भी हमारा स्टॉप वॉच है इसके नीचे। ओके, और यहाँ पे टॉप से हम करेंगे इसको 55%। ओके, एंड यहाँ से हम इसको लेफ्ट से करने वाले हैं 48.4%। ओके, अभी देखो यहाँ पे आ चुका है ना, अब इसको और अच्छे तरीके से करते हैं, तो इसका ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं ट्रांसलेट एंड 51.6 एंड नेक्स्ट चीज़ हम इसमें क्या करेंगे, -45%। ओके, ठीक है, तो अभी भी इतना अच्छा नहीं लगा लेकिन अभी ठीक है। ठीक है, अभी यहाँ पे इसको ओवरलेप कर गए, इसको भी थोड़ा बहुत स्टाइल बाकी कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं नेक्स्ट चीज़ क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे मैं उनका लिस्ट है इसको टारगेट करते हैं, और इसका जो डिस्प्ले है ना हम इसको करने वाले हैं इनलाइन। ओके, और यहाँ पे जो इसका पैडिंग लेफ्ट है इसको पैडिंग दे देते हैं थोड़ा बहुत, पैडिंग लेफ्ट। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा CSS का पार्ट भी कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, अब हम क्या करने वाले हैं, हमारे JavaScript पार्ट को देखने वाले हैं। ठीक है, JavaScript पार्ट में हम क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे कोई बटन पे क्लिक करें ना, स्टार्ट हो जाए यहाँ पे हमारा स्टॉप वॉच, और जैसे ये स्टार्ट हो गया क्या, अरे यार स्टॉप करना था इसको, स्टॉप एंड रीसेट। ओके, जैसे यहाँ पे कोई स्टार्ट पे क्लिक करें तो यहाँ पे मेरा जो भी यहाँ पे ये टाइमर है ये स्टार्ट हो जाए। ठीक है, और स्टॉप पे करें तो स्टॉप हो जाए, और रीसेट करें, रीसेट पे क्लिक करें तो यहाँ पे हमारी सारी चीज़ें जो भी थी वो जीरो हो जाए वापस से। ठीक है,
तो उसके लिए मैं क्या करने वाला हूँ, लेकिन यार एक हम इसको थोड़ा बहुत स्पेस यहाँ पे दे देते हैं, चलो बाद में देख लेंगे इसको, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आता हूँ सबसे पहले हमारे जावास्क्रिप्ट वाले पार्ट पे, ठीक है। तो जावास्क्रिप्ट पार्ट में मैं क्या करूँगा, सबसे पहले जो भी मैंने स्टॉप वॉच की वो आई डी सेलेक्ट की थी उसको मैं टारगेट करने वाला हूँ गेट एलिमेंट बाई आई डी से, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, कॉन्स्ट एलिमेंट बनाता हूँ, कॉन्स्ट टाइमर, ठीक है, टाइमर। और इसको करते हैं डॉक्यूमेंट गेट एलिमेंट बाई आई डी, डॉक्यूमेंट गेट एलिमेंट बाई आई डी। और आई डी हमने यहाँ पे क्या सेलेक्ट की थी, आई डी थी हमारी स्टॉप वॉच, ओके ओके स्टॉप वॉच ही थी ना, हाँ स्टॉप वॉच थी, ओके। अब यहाँ पे नेक्स्ट हम यहाँ पे मैं दो तीन वेरिएबल बना ले वाला हूँ। फर्स्ट वेरिएबल बनाएंगे हम सेकंड के लिए, ठीक है, नहीं फर्स्ट बनाते हैं हम होवर के लिए, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा हमारा, होवर एंड मिनट एंड यहाँ पे हमारी सेकंड, ओके। अभी हम उसको करते हैं जीरो यहाँ पे, ठीक है, अभी हम इसको करने वाले हैं जीरो, ठीक है। और नेक्स्ट हम क्या देखने वाले हैं, मिनट के लिए ना, तो यहाँ पे हम इसको मिनट को भी करेंगे अभी जीरो, जीरो ही, ओके। और सेकंड जो होगी हमारी बैक सेकंड वेरिएबल सेकंड, इसको भी हमें अभी जीरो ही रखते हैं, ओके ओके। और एक नेक्स्ट वेरिएबल बनाएंगे, हाँ नेक्स्ट वेरिएबल में हम क्या करने वाले हैं, स्टॉप टाइमर, इसको अभी के लिए हम शुरू में करते हैं ट्रू, इसकी ट्रू वैल्यू सेट करते हैं, ठीक है, स्टॉप टाइमर अभी, ठीक है, जो भी हमारा टाइम है अभी ये रुका हुआ है, ठीक है, इसको वैल्यू हमने अभी ट्रू सेट किया है, ओके। अब नेक्स्ट हम यहाँ पे देखने वाले हैं, ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे वेरिएबल बना लिए, ठीक है। फर्स्ट हमारा किसके लिए हो गया, एक हॉवर के लिए एंड सेकेंड मिनट के लिए एंड यहाँ पे सेकेंड के लिए, ओके। अब मैं क्या करूँगा, एक फंक्शन क्रिएट करने वाला हूँ, ठीक है। जैसे यहाँ पे कोई स्टार्ट पे क्लिक करे तो यहाँ पे मेरी टाइमिंग स्टार्ट हो जाए, और स्टॉप पे करे तो स्टॉप हो जाए, एंड रीसेट पे करे तो रीसेट पे हो जाए, ठीक है। तीन फंक्शन तो मेरे ये बनने वाले हैं, ठीक है। और एक मेरा फंक्शन बनने वाला है इन सबको मैनेज करने के लिए, मैनेज मतलब जैसे यहाँ पे मान लीजिए 60 सेकंड होती हैं, तब ये मेरा एक इसको 1 मिनट को इंक्रीज कर दे, और जैसे यहाँ पे हमारी 60 मिनट होती हैं तब इसको एक से इंक्रीज हॉवर को इंक्रीज कर दे, ठीक है। तो हमारे फंक्शन बनने वाले हैं चार, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं, मैं एक स्टॉप के लिए फंक्शन बनाता हूँ, स्टार्ट के लिए सॉरी, मैं सबसे पहले एक फंक्शन बनाता हूँ। तो उसमें मैं क्या होगा, स्टार्ट टाइमर, ठीक है, जो भी हमने यहाँ पे सेलेक्ट किया था इनको मैं स्टार्ट टाइमर, ठीक है, ओके। तो मैं जल्दी से ये मेरे तीन फंक्शन है मैं इनको क्रिएट कर लेता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे स्टार्ट टाइमर, ओके। और उसके बाद मैं यहाँ पे इसका थोड़ा बहुत कोड लिख देता हूँ। तो अगर हमारा जो स्टॉप वॉच है, अगर सबसे पहले अगर ट्रू है, ठीक है, अगर यहाँ पे पहले से ही अगर हमने स्टार्ट नहीं किया, अगर पहले से ही अगर ये चल रहा है तो हम इसको रीसेट करेंगे, ठीक है। तो अब इसको क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे देख लेता हूँ मैं, स्टार्ट टाइमर, सॉरी स्टार्ट टाइमर ट्रू है ना, तो हम इसको क्या करने वाले हैं, फॉल्स करने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पे स्टॉप टाइमर, सॉरी स्टार्ट टाइमर नहीं, स्टॉप टाइमर हमने वेरिएबल बनाया ना, जो ही होगा, तो स्टॉप टाइमर, ठीक है। अगर ये हमारा ट्रू है तो हम क्या करेंगे, इसको स्टॉप टाइमर को हम यहाँ पे क्या कर देंगे, फॉल्स कर देंगे, ठीक है, ओके ठीक है। तो ये हो गया मेरा स्टॉप टाइमर के लिए, ठीक है। और यहाँ पे हमें ये एक फंक्शन बनाएंगे, वहाँ पे हम इसको कॉल करेंगे, ठीक है। तो वो जो फोर्थ वाला फंक्शन होगा जो इसको हैंडल करेगा, वो फंक्शन मेरा क्या होगा, टाइम साइकिल, ठीक है। मैं उसका नाम रखता हूँ टाइमर साइकिल, ठीक है, हम इसको लास्ट में यहाँ पे कॉल कर लेंगे, ओके। तो ये हो गया मेरा स्टार्ट टाइम के लिए, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या बना रहा हूँ, स्टॉप टाइम के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं एक फंक्शन फंक्शन स्टॉप टाइमर, स्टॉप टाइमर, ठीक है। और यहाँ पे हमारा क्या होगा, सबसे पहले स्टॉप टाइम को करने के लिए तो हम इसको क्या करेंगे, यहाँ पे ट्रू कर देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले इफ स्टॉप टाइमर, स्टॉप जो हमारा टाइमर है वो क्या हो, अगर फॉल्स हो ना, फॉल्स हो तो हम इसको ट्रू कर देंगे, ठीक है। तो स्टॉप टाइमर इसको ट्रू कर देंगे, सॉरी, ठीक है, हाँ सो ट्रू ही बोला है ना मैंने। तो ये हो गया मेरा स्टॉप टाइमर के लिए, ठीक है, ओके। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले मैं यहाँ पे टाइमर साइकिल के यहाँ पे इसका कोड लिख लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से मैं इसको करता हूँ कॉपी एंड यहाँ पे क्रिएट करते हैं फंक्शन को, सबसे पहले फंक्शन एंड यहाँ पे स्टॉप टाइमर, ठीक है। अब इसके अंदर का हम कोड देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जो हमारी सेकंड मिनट और होवर होंगे हम उसको पार्स इंट कर लेते हैं, ठीक है, वो हमें इंटीजर रिटर्न करेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे,
सबसे पहले हम इफ स्टॉप टाइमर, स्टॉप टाइमर फॉल्स, उसके बाद हम ये आगे प्रोसीड करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा सेकंड को करेंगे पार्स इंट और यहाँ पे हमारी सेकंड, ओके। शुरुआत में हमने सेकंड वो सभी हमने क्या सेट किया है, जीरो ही सेट किया, ठीक है, और यहाँ पे हमारे मिनट के लिए, ठीक है। तो पार्स इंट यहाँ पे मिनट के लिए, ठीक है, और लास्ट में हमारा होवर के लिए, ठीक है, पार्स इंट एंड उसमें ओके, ठीक है। और हम क्या करेंगे यहाँ पे, हम इसको सेकंड को एक से इंक्रीज भी कर देंगे, ठीक है। ओके ठीक है, तो ये हो गया मेरा, अगर हमारा स्टॉप टाइमर अगर फॉल्स है तो हम उसको क्या करेंगे, सेकंड और मिनट थे इनको हम पार्स इंट कर लेंगे, ठीक है। इसकी हेल्प से क्या होगा, ये हमें इंटीजर रिटर्न करेंगे, ठीक है। ओके अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट पे, ठीक है। हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इफ यहाँ पे सेकंड हमारी एक से इंक्रीज होती जाएगी हर टाइम, ठीक है। तो इफ सेकंड जो अगर हमारी क्या हो जाती है 60 हो जाती है, तो हम क्या करेंगे, सेकंड को तो जीरो कर देंगे और मिनट को हम एक से इंक्रीज कर देंगे, ठीक है। तो मिनट को एक से इंक्रीज करने के लिए सिंपल यहाँ पे मैं क्या करूँगा, मिनट को मैं क्या कर दूंगा, मिनट हमने शुरुआत में जीरो सेट की थी, उसके बाद जीरो ये वन, एंड सेकंड को है हम क्या कर देंगे, जीरो सेट कर देंगे, ओके ठीक है। तो ये हो गया मेरा सेकंड के लिए, ठीक है। इसी तरीके से मैं क्या करूँगा मिनट के लिए, तो मैं यहाँ से इसको कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं इसको मिनट सेट करता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे हम इसको होवर, ओके, हम होवर को एक से इंक्रीज कर देंगे, ठीक है। और इसमें हम क्या करेंगे, सेकंड को भी जीरो ही करेंगे और हम मिनट को भी यहाँ पे जीरो ही करेंगे, ठीक है। जैसे हमारी 60 मिनट हो जाती हैं तो उसको भी हम जीरो कर देंगे, ठीक है, मिनट को भी हम जीरो ही यहाँ पे सेट कर देंगे, ठीक है। तो ये हो गया मेरा मिनट के लिए, ठीक है। एक चीज़ और मैं बता रहा हूँ यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे मैं ये करने वाला हूँ, तो यहाँ पे अगर हमारे यहाँ पे ये वाली चीज़ है, यहाँ पे अगर 0 से लेकर 9 के बीच में होगी तो यहाँ पे हमारा थोड़ा सा ग्लिच करेगा ना, इसको मैं यहाँ पे सेट वापस इसको सेट कर देता हूँ, ठीक है, जिससे ये ग्लिच ना करे, ठीक है। तो उसके लिए मैं सबसे पहले यहाँ पे क्या करूँगा, सेकंड ग्रेटर देन 10, अगर हमारे 10 से छोटी है सेकंड, ठीक है, तो और सेकंड अगर 0 है तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सेकंड को 0 सेट कर देंगे, ठीक है, 0 एंड, ठीक है। तो यही सब चीज़ें मैं मिनट के साथ एंड उसके साथ भी करने वाला हूँ, तो मैं यहाँ से इसको कॉपी करके, ओके, तो ये वाला पार्ट मेरा कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, तो जैसे यहाँ पे कोई क्लिक करें तो अब ये मेरे चीज़ें शो करने लगे, ठीक है। तो मैं उसके लिए यहाँ पे जो भी मैंने यहाँ पे फंक्शन बनाए थे उनको मैं यहाँ पे कॉल करने वाला हूँ, ठीक है। तो उनको कॉल करने से पहले मैं यहाँ पे क्या करूँगा, उनको जैसे इन पे इनर HTML, ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, टाइमर डॉट इनर HTML, इनर HTML, एंड इसके अंदर मैं यहाँ पे मेरा टाइम इंसर्ट करवा दूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले होवर एंड प्लस उसके बीच में ये एंड प्लस मिनट एंड क्या होगा मेरा लास्ट में हमारा सेकंड, ओके सेकंड, ठीक है। नेक्स्ट चीज़ हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे हम सेट टाइम आउट फंक्शन यूज करने वाले हैं। सेट टाइम क्या होगा मेरा, हर सेकंड में ये हमारा फंक्शन जो भी है, ये भी चीज़ हमने यहाँ पे क्रिएट की है ना, ये वापस से कॉल होती रहे, ठीक है, वापस से, ठीक है। तो उसके लिए सिंपल क्या करूँगा, सेट टाइम आउट, ठीक है, सेट टाइम आउट इसके अंदर हमारा ये फंक्शन होगा, ठीक है। फंक्शन को हमारा कौन सा होगा, सॉरी, टाइमर साइकिल, ठीक है, और इसको हम क्या करेंगे, एक सेकंड के अंदर, ठीक है। तो ये भी जो हमारा चीज़ होती है मिली सेकंड में होती थी, यहाँ पे हमने 1000 कर दिया, ठीक है। इसके बाद हमें लास्ट में जो हमारा रीसेट वाला फंक्शन है, ये भी हम यहाँ पे नोट कर लेते हैं, ठीक है, रीसेट वाला फंक्शन, ओके। तो ये हमारा ये तो कंप्लीट हो चुका है टाइमर साइकिल का, अब हम लास्ट में बनाते हैं फंक्शन रीसेट, ठीक है। तो फंक्शन का ये नेम क्या दिया था हमने, यहाँ पे देख लेते हैं थोड़ा, इसको हम रीसेट टाइमर, ठीक है, इसको यहाँ से कॉपी कर लेते हैं ना, दिक्कत ना हो। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, सिंपल यहाँ पे इसको, ठीक है, तो जैसे इस बटन पे कोई क्लिक करे ना तो ये वाली चीज़ें हमारे जीरो हो जाएँ, ठीक है। तो उसके लिए यहाँ पे सिंपल चीज़ है किस तरीके से हम इसको जीरो कर सकते हैं, तो टाइमर टाइमर डॉट इनर HTML, ठीक है, इसके अंदर हम क्या कर देंगे, यहाँ पे हम इसको जीरो पास कर देंगे, ठीक है, जीरो इन द सेंस कि ये वाली चीज़ यहाँ पे हम इसको जीरो कर देंगे, ठीक है। और यहाँ पे मैं ये वाला कोट यूज़ कर लेता हूँ क्योंकि मैं यहाँ पे सिंगल कोट ही यूज़ करता आ रहा हूँ, तो ठीक है, ओके। तो यहाँ पे मेरा पूरा कोड हो चुका है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे जैसे स्टार्ट पे क्लिक करूँगा तो ये चीज़ें मेरी स्टार्ट हो जाएगी, लेकिन अभी देखता हूँ क्या गड़बड़ आ रही है इसमें अभी।
तो इसमें हमारे दिक्कत हमने क्या कर दी है कि हमने यहाँ पे गड़बड़ कर दी। जब इसको फंक्शन को यहाँ पे हमने कॉल किया था ना, यहाँ पे हमने सही तरीके से कॉल नहीं किया, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैं स्टार्ट पे क्लिक कर रहा हूँ तो अभी कुछ हो नहीं रहा, शो नहीं हो रहा, ठीक है, ना ही स्टॉप पे ना ही रिसेट पे, ठीक है। तो मैंने दिक्कत यहाँ पे की थी इसमें हमारे HTML वाले सेक्शन में, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे ये वाला चीज़ यूज़ नहीं किया, ठीक है। मैं इसको वापस से ये करके और अपने जावास्क्रिप्ट कोड को पूरा ऐसे करता हूँ, ठीक है। अब मैं इसको स्टार्ट पे क्लिक करता हूँ, ठीक है। तो अभी ये मेरा चीज़ें स्टार्ट हो चुकी है, ठीक है। जैसे ही हमारी 10 सेकंड यहाँ पे कंप्लीट होंगे तो जो हमारी मिनट है वो 1 से इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो, जैसे यहाँ पे 10 होगा ये वाली चीज़ 1 हो जाएगी, नहीं थोड़ी सॉरी 10 ने पे नहीं, क्योंकि 1 मिनट में तो 60 सेकेंड होते हैं, तो 60 सेकेंड के बाद, ठीक है, तो 60 सेकेंड के बाद हमारी ये पे 1 1 हो जाएगा, ठीक है। ये इसको मैं यहाँ पे स्टॉप करूँगा, तो यहाँ पे जो मैंने स्टॉप के लिए यहाँ पे कोड लिखा है तो यहाँ पे हम इसको ट्रू कर रहे हैं, ठीक है, स्टॉप टाइमर ट्रू, ओके। और रीसेट वाली चीज़ पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे 0 हो जाए। तो रीसेट वाली चीज़ में हमने क्या किया है, यहाँ पे टाइमर डॉट इन HTML के अंदर यहाँ पर ये वाली चीज़ इंसर्ट करवा दी, ठीक है। तो ये सिंपल सा लॉजिक था किस तरीके से हम जावा स्क्रिप्ट की हेल्प से एक क्या बना सकते हैं, स्टॉप वॉच बना सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप मिली सेकेंड वाली चीज़ भी यूज़ कर सकते हो, आप इसको होवर को रिमूव करके सिंपल आप मिनट सेकेंड एंड मिली सेकेंड भी रख सकते हो, ठीक है। उसके लिए आपको क्या करना होगा, सिंपल सेकेंड वाले उसको पार्ट में डिवाइड कर देना होगा, ठीक है, मिली सेकेंड के रूप में, ठीक है। जैसे हमने मिनट को यहाँ पे सेकेंड में किया, उस तरीके से आपको सेकेंड वाले को मिनी उसमें मिली सेकेंड वाले चीज़ को यूज करके इसमें कर सकते हो, ठीक है। तो यू गाइस बस यही था इस वीडियो का मोटिव कि आपको ये बताना किस तरीके से हम स्क्रिप्ट की हेल्प से ये चीज़ें बना सकते हैं, ठीक है। तो जो मैं इस पे प्लेलिस्ट बना रहा हूँ इसमें हम यही चीज़ें देखने वाले हैं। तो जो हमारे 2-3 वीडियो हमने पहले देखे हैं, ये हमारे इस प्लेलिस्ट का 4th वीडियो है, ठीक है। इससे पहले जो भी वीडियो थे हमारे, क्या देखे थे, सबसे पहले वीडियो में हमने देखा था, इससे पहले वाले वीडियो में हमने वर्ड लेंथ कैलकुलेटर बनाया, ठीक है। उससे पहले वाले में हमने काउंटर प्रोजेक्ट, ठीक है, और उससे पहले में हमने रैंडम कलर जनरेटर बनाया, ठीक है। तो ये वाला वीडियो भी यहीं पे ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो बस गाइज आज के वीडियो के लिए इतना ही था। और हाँ, एक चीज़ बताना चाहूँगा कि ये मेरी इस प्लेलिस्ट को आप अपने ब्राउजर पे बुक मार्क कर लीजिएगा, जिससे आप एक भी वीडियो को इधर उधर ना कर पाएँ, ठीक है। और साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आप वीडियो को मिस ना कर पाएँ, जैसे मैं अपलोड करूँ आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए, ओके। तो बस गाइज आज के वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।